अगस्त महीने में कुछ राशि के जातकों को अपना खोया हुआ प्यार वापस मिलने वाला है, तो वहीं कुछ राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में मधुरता लाने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि समस्त राशि के जातकों के लिए अगस्त का ये महीना कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अगस्त में अपने जीवन साथी का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें रिलेशनशिप में काफी सपोर्ट मिल सकता है। इस समय आप ज्यादा कामुक भी रहने वाले हैं, प्रेम विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। महीने के अंतिम भाग प्रेम जीवन के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि वालों की राशि मंगल से प्रभावित होगी, जिसके कारण यौन संबंधों की ओर इच्छा आपकी अधिक रहेगी। आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने वाली है। शुक्र की स्थिति लव लाइफ को प्रभावित करती है। अगस्त महीने की शुरुआत में प्रेम में शामिल आप दिखाई देंगे। समय रोमांस के लिहाज से अच्छे योग बना रहा है। अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय प्रेम को लेकर मिला जुला असर दिखाई दे सकता है। ये अगस्त आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है। आपको मनचाहा साथी मिल सकता है। कुछ मामलों में आप अपने प्रेम को लेकर संदेह में रह सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में आपको अपने जीवन साथी का सुख और सहयोग मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे। अविवाहित प्रेमियों के रिश्ते में मधुरता आएगी। खोया हुआ प्यार आपको वापस मिल सकता है। इस समय आप अपने प्रेमी को लुभाने में भी आगे रहेंगे। दोस्तों के साथ मिलकर आप मस्ती में रहेंगे, लेकिन जो आपके प्रेमी को पसंद नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि वालों के रोमांटिक लाइफ महीने की शुरुआत में अच्छी रहेगी। इसके बाद में सूर्य की स्थिति लव लाइफ को प्रभावित कर सकती है। इस महीने ग्रहों का असर रोमांस को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में महीने के दूसरे भाग में धीमी गति से प्रेम आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए स्थिति कभी आपके पक्ष में तो कभी विपरीत रहेगी। लव लाइफ के लिए खुशनुमा माहौल बनाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप उससे कुछ निराश भी हो सकते हैं। इस समय नए प्रेम संबंध भी विकसित होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह प्रेम को लेकर नए रिश्ते बनेंगे। कुछ जातकों के लिए लव मैरिज के योग भी बन रहे हैं। इस समय प्यार की बातों की जानकारी पाने के लिए आप काफी उत्साहित रहेंगे। आप इस समय प्रेम में आतुर रहेंगे, लेकिन साथी की ओर से सहयोग की कमी आपको उदासी देगी। अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के लिए अगस्त महीने में आपको अपने प्रेमी से भरपूर प्यार मिलने वाला है। शुक्र की स्थिति रोमांस के योग बना रही है, लेकिन काम के चलते पार्टनर से आपकी दूरी बढ़ने के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। रिश्ते में अधिक जल्दबाजी से बचें और एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाकर आपको रखना है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये पता चलता है कि आपके प्रेम संबंधों के लिए ये समय सुखद रहेगा। जो लोग अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है उन्हें अच्छा पार्टनर मिल सकता है। परिवार में विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए इस सप्ताह प्रेम में नए दोस्त भी बनेंगे। आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। जो अविवाहित जातक रिलेशनशिप में हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए अगस्त काफी सकारात्मक संकेत ला रहा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना रोमांस से भरपूर रहेगा। रोमांटिक लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पार्टनर की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के बारे में सोचेंगे। महीने के दूसरे भाग में तनातनी हो सकती है। इस समय खुद को शांत कर आपको चलना है। अब बढ़ते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की ओर। मीन राशि वालों के लिए प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। विवाहित लोगों के लिए अगस्त काफी अच्छा रहने वाला है। आपको संतान का सुख भी प्राप्त हो सकता है। नए प्रेम संबंधों के योग बन रहे हैं। अगर आप पुरुष हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको अपनी पत्नी का भी बड़ा योगदान मिलेगा। तो इस प्रकार से समस्त राशि के जातकों के लिए प्रेम के लिहाज से अगस्त का ये महीना इस प्रकार से बीतने वाला है। यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।